कस्टमर आया, रुकिए, कस्टमर आया आकर कहता है 50 ग्लास चाहिए, ठीक है, आपके हेल्पर को आप भगाओ, जाओ जल्दी 40 ग्लास खरीदो, आओ इधर दो, पोजेशन ले लिए, एक घंटे बाद आओ, कस्टमर को कहा या 10 मिनट बिठा के रखे, दे दिए, फिनिश, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां पर इमीडिएटली गुड्स अवेलेबल हो सकते हैं वहां पे ये चीज अप्लाई हो सकती है, एक ये भी ऑप्शन है, फिफ्थ ऑप्शन हो गया। और ऑप्शन आप बताइए, खुद प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर हो जी, और जैसे कस्टमर को 100 पीस चाहिए किसी एक प्रोडक्ट का, और अभी फिलहाल रेडी 25 पीसेस, और जो 75 पीसेस है वो 3-4 डेज लगते हैं, अगर उसका एडवांस ले ले, मतलब कोई प्रोडक्ट है 100 पीस है, 25 रेडी है, 75 रेडी नहीं है, 25 का एडवांस आप ले सकते हैं क्योंकि वो आपके पास है, बाकी 75 का एडवांस नहीं ले सकते हैं। एक्चुअली खुद ही मैन्युफैक्चरर हो, प्रोडक्ट भी मतलब अच्छा, हाँ माशाल्लाह, सिक्स्थ ऑप्शन, मतलब गारंटी है मिलेगा आपको 3 डेज बाद, आपको 101% आपको 70 मतलब 100 प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, मतलब खुद मैन्युफैक्चरर है तो मतलब उसका एडवांस ले सकते हैं, मतलब 50% ऐसा। सवाल यहाँ ये है कि अगर कोई शख्स खुद मैन्युफैक्चरर हो तो क्या वो कर सकता है उस सिचुएशन में। हमने बै असलम को देखा थोड़ी देर पहले, बै असलम जिसके अंदर एडवांस पेमेंट किया जाता है, लेकिन एक बै असलम का एक कायदा याद रखिए, बै असलम में पार्ट पेमेंट अलाउड नहीं है, बै असलम में कंप्लीट पेमेंट होगा। और बै असलम की लॉजिक क्या है कि एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम, फिक्स पीरियड और फिक्स क्वालिटी क्वांटिटी वगैरह स्पेसिफाइड हो, तो उसके अंदर एडवांस पेमेंट नहीं अलाउड है, उसके अंदर फुल कंप्लीट पेमेंट करना होगा। तो अगर मान लीजिए कि कोई प्राइमरी प्रोड्यूसर है, कोई मैन्युफैक्चरर है, तो वो बै असलम की पॉलिसी यूज कर सकता है, उसके क्लॉजेस यूज कर सकता है, और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना करके फुल पेमेंट एडवांस में ले सकता है, उसको चाहिए तो एडवांटेज प्राइस जो भी निगोशिएट हो जाए, जो प्राइस पर हो वो कर सकता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जो डीलर्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, बै असलम उनके लिए ऑप्शन नहीं। ठीक है, तो ये हमने कुछ हलाल ऑल्टरनेटिव्स देखे, और भी ऑल्टरनेटिव्स हैं। एक इंसान जब मार्केट में रहेगा और सोचेगा मुझे सिर्फ हलाल करने का, चलो सोचते रहो क्या हलाल ऑप्शन समझ में आता है, मैं कोई हलाल ऑप्शन ही यूज़ करूँगा, तो इंशाल्लाह उसे कोई ना कोई हलाल ऑप्शन मिलेगा जो वो यूज़ कर सकता है और बिजनेस कर सकता है, और वो बिजनेस में ज़्यादा खैर होगा, ज़्यादा बरकत होगी, ज़्यादा कामयाबी होगी, ज़्यादा सक्सेस भी होगा इंशाल्लाह। चलिए, यहाँ पर हमने हमारे 5 कायदे फिनिश किए। अभी मुख्तसरन किसी का कोई सवाल हो 5वें कायदे के मुतालिक तो पूछ सकते हैं। कोई प्रोडक्ट का जैसा रिपेयरिंग रहता है तो वो अगर जाके दे हुए रिपेयरिंग और एडवांस में अगर पेमेंट ले ले हुए रिपेयरिंग की, तो उसके बारे में क्या कहना, या फिर जैसा कि टेलर की दुकान है और जाके कपड़ा खुद जाके दो तो टेलर अगर फुल पेमेंट ले ले हुए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान खुद कपड़ा देता है और फिर बाद में भूल जाता है, या टाइम बहुत पीरियड हो जाता है, 3-4 महीने बाद आता है, तो थोड़ा सा यानी वो अटकना पड़ता है दुकानदार को ऐसा कुछ, या फिर जैसा कि बड़ा बड़ा कुछ सामान रहता है, गाड़ी जैसा रिया, तो बाहर से ऑर्डर की जाती है तो लोग एडवांस लेते या पेमेंट लेते ताकि बुकिंग रहे। ओके, जज़ाकअल्लाह खैर, मुझे एक और ऑप्शन याद आ गया। एक ऑप्शन मैंने आपको पहले बताया था, वो है एजेंसी कमीशन। एजेंसी एजेंट हो कोई, जैसे मान लो कि मिसाल के तौर पर मर्सिडीज़ के आप इंडिया के एजेंट हो और मर्सिडीज़ की वो गाड़ी आप मंगा के दोगे जो कंपनी के गोडाउन में है, भले ही गोडाउन उनका कोई दूसरी कंट्री में होगा, लेकिन वो कंपनी के आप एजेंट हो, तो कंपनी आपको एजेंसी कमीशन देने वाली है। चाहे तो आप कस्टमर की तरफ से एजेंट बन जाए, चाहे तो कंपनी की तरफ से एजेंट बन जाए। कंपनी के एजेंट हैं तो आप ले सकते हैं, वो कंपनी में पोजीशन है तो आपकी कंपनी, आप कंपनी की तरफ से बात कर रहे हो तो भी कोई हर्ज नहीं है। अच्छा ब्रदर का सवाल मेन ये है कि मान लीजिए कि कोई जैसे टेलर है, टेलर एडवांस पेमेंट ले रहा है, तो टेलर जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट सेल की बात नहीं, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, या कौन मान लो कि कोई घड़ी रिपेयर करने वाला है, वो घड़ी की जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो कह रहा है मुझे एडवांस पेमेंट इसका ये दो, तो ये प्रोडक्ट सेल के अंदर नहीं आ रहा है। तो मालम तजमन जब तक जमानत में ना आ जाए, वो जमानत में ना आ जाए, ये रूल यहाँ अप्लाई नहीं होता है। यहाँ पर वा हल्लल्लाहुल बै, तिजारत को अल्लाह ने हलाल किया, तिजारत के अंदर सारी चीज़ें हलाल है, सिर्फ जो हराम है वो दी हुई है, बाकी तो हलाल है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर वो चीज़ अप्लाई नहीं होती, कोई टेंशन की बात नहीं है जो सर्विसेज प्रोवाइड करने के अंदर है। हाँ प्रोडक्ट सेल की बात है तो बात अलग है जी। और कोई सवाल? तो एक हमने 6 ऑप्शन ये देखा कि आदमी कंपनी का एजेंट हो तो भी काम हो सकता है। कमीशन जो तुमने बोले कि जी, मैं खरीद के दूंगा तुम्हारे को, हाँ, तो कमीशन बताना जरूरी है? ओके, मैं खरीद के दूंगा, उसके अंदर कमीशन बताना जरूरी है कि कितना कमीशन लूंगा। जैसे मिसाल के तौर पर ब्रोकर है, वो कहे कि मैं कुछ तो लूंगा, कितना लूंगा मैं नहीं बोलता हूँ,
तो ये क्या है, ये एक छठा जो हम पॉइंट देखने वाले हैं ना उसके तहत ये चीज गलत हो जाएगी। जो छठा पॉइंट, छठी कंडीशन देखने वाले हैं उसके तहत ये चीज गलत हो जाएगी। कैसे, हम थोड़ी देर बाद देखेंगे वो इंशाल्लाह। जैसे कि बिल्डर को अपनी जमीन खरीदनी है और फ्लैट्स में 100 फ्लैट्स हैं, और जैसे कि जो खरीद रहा है इन्वेस्टर के पार्ट से, उन लोग खरीद रहे ये सोच के कि हाँ बिल्डर उनको दिया है सस्ते में, फिर बाद में वो उसको अप्रिशिएट करके बेच देंगे, तो इसे बिल्डिंग करने को नियर अबाउट 3 साल लगेगा, तो उन लोग 1.5 साल में बेच देंगे, कुछ भी अप्रिशिएशन मिलेगा, वो दोनों सूरत। भाई का सवाल ये, इन्होंने बहुत अहम सवाल पूछा, और ये सवाल पूछने से मुझे ये समझ में आया कि ये बहुत सोच रहे थे कहाँ ये रूल अप्लाई होता है, और उन्हें ये बात क्लिक हुई कि बिल्डिंग के अंदर जो फ्लैट्स बुक होते हैं, अब किसी इन्वेस्टर ने फ्लैट बुक किया और फ्लैट बुक करने में उसने पार्ट पेमेंट किया, पोजेशन नहीं मिला है, बिल्डर पोजेशन देगा, बिल्डर पोजेशन देगा, और जब पोजेशन देगा 3 साल बाद देगा, दरमियान में वैल्यू अप्रिशिएट हो चुकी थी, जितने में बुकिंग किया उससे ज़्यादा उसे वैल्यू मिल रही है, क्या वो आप पोजेशन लिए बगैर भी बेच सकता है या नहीं बेच सकता है, ये सवाल है। तो यहाँ पर बिल्डिंग का पोजेशन जो होता है, फ्लैट का पोजेशन अगर वो ले ले, पोजेशन लेने के बाद बेचना, तो इसमें शक ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि दरमियान, इन बिटवीन प्रोसेस है कि जब बिल्डिंग बनी नहीं है, दरमियान का मामला है, और तभी पोजेशन उसे मिला नहीं है, तो तब वो कैसे बेच सकता है, ये सवाल है। अब इसके अंदर हम ये देखते हैं, एक पॉसिबिलिटी उसकी ये होती है कि वो बिल्डिंग के अंदर बिल्डर के साथ उतना पार्टनरशिप वो हो जाए उसकी। मिसाल के तौर पे बिल्डर के पास 10,000 square feet है, वो अपना इन्वेस्टमेंट जो दे रहा है वो कह रहा है मैं 1,000 square feet का पार्टनर हूँ, मैं 500 square feet का पार्टनर हूँ, तुम्हारे पास टोटल सेलेबल 10,000 square feet होंगे, मैं उसमें से 500 square feet का पार्टनर हूँ, यानी मेरा 5% है शेयर, तुम्हारा जो भी बनने वाला है उसमें 5% शेयर है या 10% शेयर है, ये मेरा इन्वेस्टमेंट वो 10% शेयर का है। तो हम देखते हैं कि अगर उसने पार्टनरशिप की तो मुशारका के रूल के तहत पार्टनरशिप के अंदर जो पार्टनर होता है वो अपना शेयर बेच के निकल सकता है, क्योंकि बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन का जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो लंबे होते हैं, कभी कभार अनसर्टन भी हो जाता है, टाइम भी उसका लंबा हो जाता है, और उसके अंदर वो प्रोडक्ट सेल का जो रूल अगर अप्लाई होता है तो वो चीज़ के तहत वो बंधा हुआ रहे, तो उसके अंदर यहाँ पर एक गुंजाइश उसके पास ये होती है कि वो प्रोजेक्ट में स्क्वायर फीट से पार्टनरशिप ले रहा है और वो पार्टनरशिप का अपना शेयर बेच रहा है। तो हम ये देखते हैं कि ये एक बात है, जैसे मिसाल के तौर पे पूरा काम करने के बाद बिल्डर के पास जो बनेगा, मिसाल के तौर पे 10,000 square feet बनेंगे, तो बिल्डर ने 5,000 square feet इन्वेस्टर्स में बांट दिए, 5,000 square feet वो खुद बेचेगा, तो यहाँ क्या है कि जो इन्वेस्टर्स है उनको 5,000 square feet दिया इन रिटर्न ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, बांट दिया सब में, और 5,000 square feet वो खुद बेचने वाला है। तो यहाँ ये देखते हैं कि ये पार्टनरशिप वाला एक इशू है जिसके तहत कुछ उलमा ने इजाज़त दी है, जो हम कल मुशारका जब डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप का इशू, तो हम इंशाल्लाह तभी इसकी और डिटेल्स देखेंगे इंशाल्लाह। एज ए एजेंट क्या वो एडवांस ले सकता है, ये बात अंडरस्टैंडिंग की बात है, उसमें एडवांस ले सकता है क्योंकि वो उसके बिहाफ पे ही काम कर रहा है। मिसाल के तौर पे एक एम्प्लॉई होता है ना जो दुकान में काम करता है, अपने बॉस के लिए ही होता है, अब बॉस कहीं कहीं से फिक्स सैलरी देते हैं, कहीं कहीं कमीशन भी देते हैं, तो उसकी टर्म्स जो अग्रीड है वही टर्म्स होती है। उसी तरह ये शख्स अभी उसी की तरफ से है, अल वकील फी हुक्मिल मुवक्किल, जो वकील है, जो एजेंट है, वो जिसकी तरफ से काम कर रहा है उसी के हुक्म में, इट्स एज इफ वो सेम आदमी है, तो वो एडवांस हो उसके हाथ में या ना हो, वो जो भी टर्म्स अग्रीड है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन वो कमीशन उसका एक फिक्स कमीशन होगा और उसमें क्लैरिटी होगी ताकि कल टर्म्स में प्रॉब्लम ना हो और कल जाके झगड़े अराइज ना हो, मतलब क्लैरिटी रहे कि उसने लिया तो कितना परसेंटेज लिया। क्योंकि अगर वो शख्स कह रहा है कि मैं कुछ तो रखूंगा, तो क्लैरिटी अगर ना होगी, तो क्लैरिटी ना होने की वजह से झगड़े होते हैं, और यही चीज हम अभी छठे कायदे के तहत देखने वाले हैं। छठा कायदा लेन देन के अंदर जो छठी शर्त है, कंडीशन है, वो ये है कि जो चीज बेच रहे हैं या जो चीज खरीद रहे हैं क्लियर होनी चाहिए, क्या बेचे क्या खरीदे। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूं कि ये मेरी जेब में ये कुछ है 500 रुपए में खरीदना है, अब हो सकता है कि 10 रुपए का एक रुमाल निकलेगा, या हो सकता है कि कोई कीमती सी चीज निकल आएगी। इस्लाम ने ऐसे ट्रांजैक्शन को हराम बताया, मतलब क्लैरिटी होनी चाहिए क्या बेचे क्या खरीदे, क्लियर कट।
सही बुखारी की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन बैइल गरर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरर के ट्रांजैक्शन को हराम किया। रिबा आज लोगों को मालूम पड़ा है, गरर क्या आज भी कई अक्सर लोगों को नहीं पता है। गरर यानी ऐसी ट्रांजैक्शन जिसके अंदर क्लैरिटी ना हो, जिसके अंदर कुछ तो धोखा है, मुबहम है, अननोन कुछ चीजें हैं, तो ये चीज को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम किया। वो जमाने में ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते थे। अगर आप सिर्फ सही बुखारी के अंदर किताबुल बुयू खोले तो लाइन से आपको हदीसें मिलेगी गरर से रिलेटेड हदीसें। मिसाल के तौर पर एक ट्रांजैक्शन होता था जिसका नाम था हबलल हबला। हबलल हबला की कई शक्लें बताई गई है, उसमें से एक शक्ल ये है कि जिसके अंदर ऊंटनी प्रेग्नेंट है। आप प्रेग्नेंट है तो पेट के अंदर क्या है, हो सकता है जुड़वा है, अब सोनोग्राफी तो नहीं थी तभी, हो सकता है जुड़वा है, हो सकता है सिंगल है, और सिंगल है तो कैसा निकलेगा उसका बॉडी फ्रेम वगैरह कैसी होगी, जिंदा पैदा होगा मुर्दा पैदा होगा, क्लैरिटी कुछ नहीं है। अब वो ऊंटनी के पेट में जो बच्चा है उसे बेच देते हैं, मैं बच्चा बेच रहा हूँ पेट के अंदर, अभी तक क्लियर नहीं है, बेच रहा हूँ कितने में खरीद रहा हूँ, 1000 रुपये में मैं बेच रहा हूँ। अब ऊंटनी के पेट में जो बच्चा है वो अभी तक पैदा नहीं हुआ, हो सकता है मुर्दा पैदा होगा, हो सकता है जुड़वा पैदा हो जाएंगे। कभी कभार ऐसा भी होता था कि कैंसर का लंप होता है जिसके अंदर ऐसा लगता है कि वो प्रेग्नेंट है, हालांकि प्रेग्नेंट ही नहीं है। तो यहाँ क्या मामला है कि ये क्लैरिटी नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ट्रांजैक्शन को हराम किया क्योंकि क्लैरिटी होनी चाहिए, धोखे का कुछ मामला ना हो, जुए का कुछ मामला ना हो। ये जुए टाइप का मामला हो रहा है गरर में। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह वला अहलिही वसहाबी अजमईन, अम्मा बाद। ब्रेक के बाद मैं आप सबका फिर इस्तकबाल करता हूँ। ब्रेक से पहले हम तिजारत के इस्लामी उसूल मौजू के तहत कुछ बातें कर रहे थे, आइए उन बातों को आगे बढ़ाएं। उसी तरह आप देखिए, एक ट्रांजैक्शन था बै अल मुआवमा। बै अल मुआवमा में क्या होता था कि एक साल के अंदर ये ज़मीन में क्या फसल उगेगी मैं बेच रहा हूँ, एक साल में जो भी फसल उगेगी मैं बेच रहा हूँ 1 लाख रुपये में। अब हो सकता है बम्पर फसल निकल आएगी, डबल बहुत अच्छी फसल निकल के आएगी, हो सकता है सैलाब वगैरह की वजह से वो फसल ख़राब हो जाएगी। तो वो लोग फसल ऐसे बेचते थे और उसके अंदर नेचुरली एक भाव तय होता था, अप डाउन नेगोशिएशन वगैरह के साथ में, रजामंदी के साथ, कोई बेच रहा है कोई खरीद रहा है, लेकिन सिर्फ रजामंदी एक ही शर्त थोड़ी है। तो हम ये देखते हैं कि बै अल मुआवमा में क्या होता था, एक साल में क्या फसल निकलेगी, बम्पर निकलेगी, जो भी निकलेगी सब तुम्हारे नसीब। उसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन बैइल मगानिमी हत्ता तुखसम। जो माले गनीमत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कि माले गनीमत जब तक तकसीम ना हो जाए तब तक बेच नहीं सकते। अब माले गनीमत में एक सिपाही का क्या शेयर आने वाला है, क्लैरिटी नहीं है, हो सकता है कुछ अच्छा आएगा, हो सकता है कम आएगा। भले मैं जो भी शेयर बेच रहा हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम किया, कहा कि नहीं बेच सकते जब तक तुम्हें मिल नहीं जाता, मिल गया तो क्लियर हो गया क्या मिला, अब बेचो। तो उसी तरह हम देखते हैं कि और ट्रांजैक्शन थे, जैसे एक और हदीस है, नहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन बैइ थिमारी हत्ता यब्दुअ सलाहुहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिमार फ्रूट्स को बेचने से मना किया यहाँ तक का कि उनकी सलाहियत ना निकल आए। मतलब अभी फल लगे हुए हैं पेड़ पर, अभी मालूम नहीं पड़ा कैसे बनने वाले हैं, हत्ता यब्दुअ सलाहुहा, उसकी सलाहियत वाजे नहीं हुई है, जब वाजे हो जाएगी तब बेचो, वाजे नहीं हुई है तो अब स्पेकुलेशन वाला मामला है, अभी नहीं बेच सकते। उसी तरह नहल बाया वल मुबता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेचने वाले को भी मना किया, खरीदने वाले को भी मना किया। तो हम देखते हैं कि पूरे लाइन से ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जो उस जमाने में होते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके सबको हराम किया बिल इत्तिफाक। यहाँ तक का कि इमाम नववी ने सही मुस्लिम की कॉमेंट्री में, शराह में ये बात बताई है कि इस मौजू पर जब अनसर्टेनिटी यानी कि जो बात वाजे नहीं है ये बड़ी हो, तो इस बारे में उलमा का इजमा है, किसी आलिम ने इख्तलाफ इस बारे में नहीं किया। लेकिन आज अवाम में पूछो तो उनको क्या गरर क्या मालूम ही नहीं। मेजर गरर यानी जिसमें मेजर अनसर्टेनिटी हो वो हराम है बिल इत्तिफाक, और इस बारे में आज आम आदमी को पूछो तो उसको मालूम ही नहीं। तो हकीकत तो ये है कि गरर इज हराम, गरर हराम है। आज के ज़माने में कहाँ ये दिखाई देती है, इंश्योरेंस में। इंश्योरेंस में क्या होता है कि आदमी इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा है, इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस प्रीमियम ले रही है। जो शख्स इंश्योरेंस पे कर रहा है, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस है, चाहे वो मेडिकल इंश्योरेंस है, चाहे वो एक्सीडेंट इंश्योरेंस है,
कोई भी किस्म का इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस प्रीमियम देने वाले को मालूम नहीं है कि एक्सीडेंट कब होने वाला है, मौत कब होने वाला है, बीमार कब पड़ने वाला है, मालूम ही नहीं है, ना कंपनी को मालूम है। बिल्कुल अनसर्टेनिटी है, बिल्कुल वाज़े क्लियर मेजर गरर है। पहली बात तो ये मालूम नहीं है कि बीमार पड़ेगा नहीं पड़ेगा, एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा, मौत इस उम्र से पहले होगी या नहीं होगी, मालूम ही नहीं है। नंबर दो, एक्सीडेंट होगा तो कब होगा, होगा या नहीं होगा, एक्सीडेंट होगा अगर तो कब होगा, मान लो 25 साल बाद एक्सीडेंट हुआ, हाँ, या बीमार वो 20 साल के बाद बीमार पड़ा, तो उसे ये नहीं मालूम है कि वो बीमार पड़ेगा तो कब बीमार पड़ेगा। तीसरी बात, उसे ये भी नहीं मालूम है कि जब एक्सीडेंट होगा तो नुकसान कितना होगा, या बीमार पड़ेगा तो बिल कितना आएगा, मतलब ये भी क्लियर नहीं है। तीसरी बात ये क्लियर नहीं है कि नुकसान होगा तो कितना होगा। तीन तीन चीजें मेजर है, अनक्लियर है। इसी वजह से इंश्योरेंस के बारे में फतवा ये है, ये छठे कायदे के तहत कि इंश्योरेंस करना हराम है। और भी बहुत सारे इंश्योरेंस में नुकसानात है, वो एक अलग टॉपिक है। तो हम शेयर मार्केट के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में कुछ चीजें मुख्तसरन और देखने वाले हैं एडिशनली। आगे आज भी सुनने में आता है, जो लोग देहात वगैरह साइड के हैं, वहां खेती बाड़ी चलती है, सुनने में आता है कि आज तक ये साल की या ये फसल की बिकना, अब तक ये ट्रांजैक्शन चलता है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले हराम कर दिए। अब तक हम देखते हैं कि कई बार कई जगहों पर कि ये साल की फसल बेच दिए, हाँ, ये सीजन की फसल बेच दिए, कुछ आया नहीं, कुछ निकला नहीं, कुछ वाजे नहीं हुआ, बेच दिए, तो ये क्या है, ये एक हराम की शक्ल हो गई। उसी तरह चलिए थोड़े मॉडर्न वर्ल्ड की तरफ आते हैं। तो मॉडर्न वर्ल्ड में हम आते हैं तो हम देखते हैं कि ऐसी कुछ चीजें होती है कि मिस्ट्री गिफ्ट इनसाइड, खासतौर से बच्चों के उसमें, कि कुछ तो मिस्टीरियस गिफ्ट अंदर है, अब उसके लिए खरीद रहे हैं, क्लियर नहीं है क्या है अंदर, वाजे हो क्या है बोल दो, क्या है उसके पैसे लो, खत्म। इस्लाम ने क्लियर कट ट्रांजैक्शन सिखाए हैं, धोखे वाली कोई चीज नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये एक धोखे की एक शक्ल है कि मिस्टीरियस गिफ्ट इनसाइड। अब वो मिस्टीरियस गिफ्ट के जरिए लोग खर्च करते हैं, ज्यादा खर्च करते हैं, कुछ तो मिस्टीरियस है, तो इस्लाम ने कहा नहीं, क्लियर बताओ क्या है, क्लियर है बताओ और बेचो। इसके अंदर कोई ऐसी चीज ना हो कि आदमी खर्चा किए मान लो अरे ये है इसके लिए मैंने खर्चा किया, तो डिसअपॉइंटमेंट भी हो सकता है। तो इस्लाम ने इस चीज के अंदर वो जो बैड फीलिंग एक दिल में आती है ना, वो उसकी गुंजाइश नहीं छोड़ी है। इसीलिए सब पूरी क्लैरिटी के साथ होना चाहिए। मैं कुछ मिसालें बता रहा हूँ। इसके अंदर हम देखते हैं कि विजडम क्या है, इसकी हिकमत क्या है। इसकी हिकमत ये है कि कोई किसी और पर जुल्म ना करे, क्योंकि अगर मैं कहूँगा 500 रुपये में खरीदो क्या है मेरी जेब में, अब वो जुए की शक्ल हो गई, जुआ है ये, क्लैरिटी नहीं है, तो उस चीज के अंदर वो क्लियर कट जुआ हो गया। अब इस बारे में मेरे ब्रदर्स, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको कुछ इसमें एक्सेप्शंस बताना चाहता हूँ। पहला एक्सेप्शन है माइनर गरर। माइनर गरर क्या है, जैसे मिसाल के तौर पे अंडा खरीद रहे हैं, अब अंडा अंदर से कैसा है, अच्छा है खराब है, क्लियर नहीं है, लेकिन एक माइनर अनसर्टेनिटी है, एक माइनर किस्म की अनसर्टेनिटी है, तो ये चीज के अंदर गुंजाइश है। माइनर चीज में शरीयत ने ऐसा नहीं कहा कि अंडा भी बिल्कुल स्कैनर से अंदर से बताओ सब सही है तो ही हम लोग लेंगे, वैसी टाइप का हमें तकलीफ नहीं दी गई है। उसी तरह किसी ने एक जगह लिया भाड़े पर, एक महीने के भाड़े पर लिया, अब इस्लामिक शरीयत में जो इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से महीना 29 डेज का भी होता है, 30 डेज का भी होता है। अब इसमें किसी ने लिया एक महीने के लिए, वो महीना 29 डेज का निकला या 30 डेज का निकला, थोड़ी तो अनसर्टेनिटी है। तो यहां पर माइनर किस्म की जो अनसर्टेनिटी है वो माफ है, उसमें कोई पकड़ नहीं है उस चीज के ताल्लुक से, माइनर किस्म की अनसर्टेनिटी। इसकी हम एक मिसाल देखेंगे कि उस जमाने में पानी का मशकीजा है, उसमें से कोई पानी पी रहा है, कोई हो सकता है ज्यादा पिएगा कम पिएगा, उसका पेमेंट करके वो पी रहा है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। उसी तरह आज के जमाने के अंदर एक चीज होती है जिसके अंदर है 500 रुपीज दो अनलिमिटेड थाली या अनलिमिटेड खाना। इस बारे में कुछ उलमा हालांकि दूसरी तरफ गए, लेकिन जनरली उलमा ने फतवा ये दिया है, जो सऊदी की भी सीनियर कमेटी ऑफ स्कॉलर्स का फतवा यही है कि वो क्या कहते हैं, कहते हैं कि जनरली एक एरिया में मालूम होता है कि लोग कितना खाते हैं, कि भाई बॉम्बे में मालूम है एक आदमी क्या रेंज में खाएगा, इतने से इतने में खाएगा, तो वो रेंज में है, तो वो हिसाब से एक माइनर अनसर्टेनिटी में गिने हैं। लेकिन एक आदमी को मालूम है मैं तो बहुत ज़्यादा खाता हूँ, अगर किसी को पता है कि वो ज़्यादा खाता है, अब वो जब जाएगा ऐसे अनलिमिटेड फूड ऑफर में, तो शेख का फतवा जो कहते हैं
कि ऐसा शख्स जो ज्यादा खाता है उसको जाके पहले से बोलना पड़ेगा कि मैं ज्यादा खाता हूँ, सोच समझ के मुझे ऑफर करो, नहीं तो मैं पे करूंगा पर डिश का, मैं इतना देकर वो खाऊंगा, तो वो सेफ है, क्योंकि वो मेजर अनसर्टेनिटी हो जाएगी ना, वो मेजर बात हो जाएगी, माइनर नहीं होगी। नहीं तो नॉर्मल, जो नॉर्मल लोग हैं वो कितने से कितने के रेंज में खाते हैं वो हिसाब से उनका एस्टिमेट होता है। कुछ उलमा ने इस बारे में ऐसे अनलिमिटेड फूड ऑफर्स को, जो फूड बुफे, अनलिमिटेड फूड बुफे वगैरह सिस्टम्स को गलत भी कहा है कुछ, सब उलमा ने, लेकिन जो मेजर बड़े उलमा हैं उन्होंने इसकी गुंजाइश दी है, लेकिन इसके अंदर एक्सेप्शन वो आदमी को निकाल दिया बाहर जो कुछ ज़्यादा खाता है। इसके अंदर एक और एक्सेप्शन है, वो है मजबूरी। क्या मतलब? मिसाल बताता हूँ। मजबूरी के अंदर बिल्डिंग खरीद रहे हैं, बिल्डिंग में फ्लैट खरीद रहे हैं, अब बिल्डिंग का फाउंडेशन अंदर से कैसा है क्लियर नहीं है। अब ये मजबूरी है कि फ्लैट ले रहे हैं तो फाउंडेशन क्लियर मालूम पड़े, वो तो बिल्डिंग खड़ी हो तो कभी अल्लाह ना करे कुछ होगा तो मालूम पड़ेगा कि कैसी थी। तो ये एक अनसर्टेनिटी है, लेकिन ये मजबूरी वाली अनसर्टेनिटी है। तो एक एक्सेप्शन इस्तिस्ना पहली है माइनर अनसर्टेनिटी माफ है, दूसरा मजबूरी वाली अनसर्टेनिटी माफ है, तीसरा जो मैंने आपको कायदा बताया जिसे कहते हैं अताबे अताबे, अंडर में एक बड़ी चीज के अंडर में छोटा कायदा। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि एक शख्स हज के लिए गया, हज बदल की मिसाल, हज बदल के अंदर वो किसी और के लिए हज कर रहा है, उसके अंदर वो दो रकात नमाज भी पढ़ेगा, किसी और की तरफ से होगी वो दो रकात नमाज, मतलब वो किसी और की तरफ से हज है तो दो रकात नमाज जो तवाफ के बाद की नमाज है वो भी किसी और की तरफ से है। लेकिन कोई शख्स इसको दलील बनाकर किसी और की तरफ से नमाज पढ़ना तो शुरू नहीं कर सकता कि मैं जोर की नमाज उसकी तरफ से पढ़ रहा हूँ, असर की नमाज पढ़ रहा हूँ, वो तो सही नहीं है। तो उसी चीज के तहत, जैसे मिसाल के तौर पर कोई चीज होती है जो अंडर में होती है, मिसाल दे रहा हूं आपको, आप लोग जवाब दीजिए। मान लीजिए कि ऊंटनी के पेट में बच्चा है, वो बच्चा बेचना जायज है, अननोन है ना, लेकिन वो ऊंटनी ही किसी ने बेच दिया और साथ में बच्चा भी अंदर गया, तो अब यहां पर वो बच्चा अंदर से जा रहा है जो अनसर्टेनिटी है, लेकिन वो सिर्फ बच्चे को बेचना नाजायज होता, ऊंटनी को बेच रहे हैं तो जायज है। उसी तरह बकरी के थन में दूध है, अब वो वह जितना भी दूध निकलेगा मैं बेच रहा हूं, कितना भी दूध निकलेगा 100 रुपए में बेच रहा हूं, खरीदना है जायज है नाजायज है? क्यों नाजायज है? अनसर्टेन, कम निकले ज्यादा निकले क्या मालूम, लेकिन कोई बकरी बेच रहा है उसके थन में दूध भी साथ में जा रहा है तो वो मेजर के अंडर में माइनर है। मेजर के अंडर में माइनर है। जैसे मिसाल के तौर पर हज टूर के लिए जाते हैं तो हज टूर का पैकेज होता है, अब हज टूर के लिए जाते हैं तो उसमें खाना भी मिलता है और उसमें ज्यादा खाने वाले हमारे भाई वहां गए हुए हैं, तो अब वो खाने का थोड़ी बिक्री है, वो तो हज टूर है, अब वो ज्यादा भी खाए तो वो मेजर के अंडर में नहीं है, वो उसके अंडर में आ रहा है, समझे आप? तो ये दो एक्सेप्शन हो गए। तीसरा एक्सेप्शन, तीसरी इस्तिस्ना गरर के कायदे में, बाकी सब जगह पे अप्लाइड है, इन जगह पर नहीं अप्लाइड है। हमने देखे ना कि ये कायदा नॉर्मली अप्लाई होता है हर चीज में, हमने मिसाल देखी इंश्योरेंस की, मिस्ट्री गिफ्ट इनसाइट की, और भी मिसालें हैं। हाँ, लॉटरी तो ऑफकोर्स वो तो क्लियर कट गैम्बलिंग। हम आगे आते हैं, तीसरा इस्तिस्ना, पहला एक्सेप्शन क्या था? माइनर गरर। इमाम नववी ने कहा बिल इत्तिफाक बिल इजमा मेजर गरर, जो बड़ा गरर है वो हराम है, बिल इत्तिफाक माइनर गरर हलाल है। अब जो दोनों के दरमियान में है उसके ताल्लुक से देखा जाएगा कि वो उस तरफ है या इस तरफ है। तो हम ये देख रहे हैं कि पहला एक्सेप्शन था माइनर गरर, सेकेंड एक्सेप्शन क्या है? मेजर, बड़े चीज के अंडर में छोटी चीज जो अंडर में आ रही है। और तीसरा एक्सेप्शन, तीसरी इस्तिस्ना ये है सर्विसेज। मिसाल के तौर पे किसी ने जॉब पे रखा, अब जॉब करने गए तो वो ज्यादा काम करा रहा है कम काम करा रहा है, कोई महीने में ज्यादा कराया कोई महीने में कम कराया, ये सर्विसेज है। इसके अंदर अनसर्टेनिटी हुई तो वो चलती है। जैसे मिसाल इसकी लीजिए अनलिमिटेड इंटरनेट, कि इंटरनेट का पैकेज लिए, अब कोई है जो दिन भर लगाया है, कोई है जो महीने में 2-4 बार जाता है, अनलिमिटेड। उसी तरह अनलिमिटेड जिम मेंबरशिप, कि कोई है जो सुबह शाम आके एक्सरसाइज कर रहा है और कोई है जो हफ्ते भर तक नहीं दिख रहा है। तो ये क्या है? सर्विसेज के अंदर एक्सेप्शन है, सर्विसेज में।
तो ये तीन इस्तिस्नाई शक्लें हमें मिल रही है, बाकी इसके अलावा जनरली गरर का कायदा अप्लाई किया जाएगा। अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए, क्यों? ताकि किसी पर जुल्म ना हो, किसी के ऊपर नाइंसाफी ना हो, ये ब्रदरहुड की जो फीलिंग्स है एक दूसरे की वो खराब ना हो जाए। तो हमने ये चीज़ देखी, ये हमने गरर का कायदा भी देख लिया, और इसी के साथ हमने पूरे छः के छः कंडीशंस एक डील सही होने के मुतालिक जो है वो हमने कवर कर ली।